कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि संडे को हमारा मिलना सही नहीं है, ये गलत है. Many believers think that it's not right to meet on Sundays. So वो कहते हैं सप्त का दिन सैटरडे को है. They say Saturday is the Sabbath day. हमें ये सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि सप्त के दिन का मतलब क्या है. And it is important for us to first learn what does it mean to have a Sabbath. जो ये शब्द है सैबथ या हिंदी में सप्त. And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन बेट और टाओ. Sabbath. From these alphabets is how we get the word Sabbath. Amen. और ये जो शब्द है Sabbath, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द Shin है, the word, the alphabet Shin, इसका मतलब होता है consume या destroy. It means नाश करना. नाश करना. Yeah, इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहते हैं, वो क्या है, वो कहता है आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. द फादर सेज मैं एक भस्म करने वाली आग हूं. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूं. आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. मगर क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? व्हाट डज द फादर वांट टू कंज्यूम? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. द फादर वांट्स टू कंज्यूम एवरीथिंग दैट टेक्स यू अवे फ्रॉम हिज प्रेजेंस. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. Amen. So, Shin का मतलब होता है destroy करना. ये परमेश्वर के passion की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है, और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards his children. The father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेट है, इसका मतलब होता है हाउस या घर. बेट मीन्स हाउस. जैसे यीशु मसीह कहां पैदा हुए थे? Where was Jesus born? Bethlehem. Bethlehem. Lehem means bread. House of bread. रोटी का घर. इसीलिए उसको Bethlehem कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. So Beth जो शब्द है, उसका मतलब है घर या tabernacle. The word Beth means house or tabernacle या तंबू. Amen. और जो word Tav है, इसका मतलब है covenant. And the word Tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशियंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the cross. अब सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation or the mystery behind. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूं. The Lord is saying मैं जलन रखता हूं. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूं कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making an eternal covenant. By making an eternal covenant with them through the cross. Amen. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है, उसमें लिखा है कि the dwelling of God will be with man. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. Amen. So सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर. और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो हर शब्द में गॉस्पल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. Amen. इसीलिए जो शब्द है Sabbath, that's why the word Hebrew में Shabbat, or the word Shabbat in Hebrew,
जब Jews मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say शबात शलोम. ये परमेश्वर का हृदय था पहले से. This was the heart of God from the beginning. Amen. So मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ. Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है. Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays. और वो कहते हैं सैबत जो है वो शनिवार को है, तो हमें शनिवार को ही मिलना है. And they say Sabbath is on Saturdays, that's why we should meet on Saturdays. हाँ, सप्त का दिन शनिवार को है मगर वो इजरायली सैबत डे है. Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सप्त का दिन है. That was the Jewish day of Sabbath. Amen. वो जिस सप्त को मान रहे हैं वो यहूदी सप्त के दिन को मान रहे हैं. The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूँ क्यों. Exodus, हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं. Exodus 28 through 11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, मानने का स्मरण रखना. Remember the Sabbath day to keep yourself. छह दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger with who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने छह दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया तथा सातवें दिन विश्राम किया. इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इज़राइली लोग मनाते हैं, the day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर. It is based on God's day of rest. Clear है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं. Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए इज़राइली विश्राम दिन को माना करें. कौन माना करें? जोर से बोलो, कौन माना करें? Okay. Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदाकाल की वाचा के रूप में माने. To observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. So इज़राइलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे, तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है. So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इज़राइल में था, हम लोग एक होटल में थे. We were in a hotel. और जब सैटरडे आया, on Saturday, तो कोई भी नहीं था. There was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहाँ पे. Nobody was working on कुछ Saturday. नहीं होता. Nothing happens. वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, वहाँ पे अब केवल एक दीवार है. We went to the place where there was Solomon's temple. तो वहाँ पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते. You cannot even click pictures there. क्योंकि सबत का दिन है. Because it's the day of Sabbath. Okay. So ये जो वो सबत का दिन आज भी मनाते हैं, this day of Sabbath that they still observe. ये इस परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है. It's because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था, वो उस पर आधारित है. Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए. I'm teaching slowly so you can understand. Amen. देखते हैं स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ उत्पत्ति में. Let's see what happened in the beginning. Amen. उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं. इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई. Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया.
And on the seventh day, God ended His work which He had done. उसने अपने किए हुए सातों कार्य के सातवें दिन विश्राम किया. And He rested on the seventh day from all His works. परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया. Then God blessed the seventh day and sanctified it. क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कार्य से विश्राम किया था. Because in it He rested from all His works which God had created and made. So creation was brought into completion on the seventh day. Srishti sampurn ki gayi, uska karya samapt kiya gaya banane ka saatve din. Amen. Iska matlab ye nahi hai ki Parmeshwar 6 din kaam kar kar ke he was exhausted. Wo thak gaya tha bahut. Parmeshwar thak nahi gaya tha. He was not exhausted of his. Wo nahi kehta ab hathoda aur nahi uthaye ja rahe. He says I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था विश्राम यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए. The word rest here is not that God was tired of working but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है. The rest of God is different from our rest. Amen. ध्यान से सुनिए. Hear carefully. यहां पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहां पे कितनी मम्मियां हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है. How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो. Whatever you love. ऐसा होता है जब आपने उसको पूरा कर दिया. When you finished making it. अब वो पूरी हो चुकी है. Now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो खराब हो जाएगा. Now if someone comes and puts a pinch of salt in जब वो पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो. यही परमेश्वर का मतलब है. जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर. That's what this means when God had created everything. Now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब. This is what जैसे एक पेंटर पेंट करता है. Like a painter paints. और उसने पूरी पेंटिंग कर दी. It makes a beautiful painting. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा. If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है. यही परमेश्वर ने किया सातवें दिन. When he has completed painting, he keeps the paint brush down and says it's done. This is what God did on the seventh day. एक और उदाहरण देता हूं आपको. Give one more example. देखे आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस. व्हेन द लॉयर्स हैव डन ऑल द आर्गुमेंट्स दे हैव टू डू दिस, वो कहते हैं जज साहब मैं अपना केस यही. उसका मतलब है जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था, मैं अब कर चुका हूं. ही सेज व्हाटएवर आई हैड टू से आई हैड टू डू आई हैव डन. परमेश्वर ने विश्राम किया. इसका मतलब जो कुछ उसको बनाना था, जब उसने सृष्टि करी, उसने देखा, उसने कहा सब अच्छा है, बस काफी है, मैंने संपूर्णता में काम को कर दिया है. God after he created everything, he saw everything was good. He said, I have completed the work, it is good now. Amen. अब आप देखेंगे, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहला दिन सुबह और शाम, दूसरा दिन सुबह और शाम. Now when you read the book of Genesis, you'll see the first day, morning and evening. मगर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने सातवें दिन में प्रवेश किया, but the Bible says when God entered into the seventh day, तो वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ. Then that day never ended. God's Sabbath is an ongoing Sabbath. परमेश्वर का जो सबत का दिन है वो हमेशा चलते रहने वाला दिन है. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? परमेश्वर का सब्त इज़राइली सब्त से अलग है. The Sabbath of God is different from the Israelite Sabbath. क्योंकि इज़राइली जो सब्त को मनाते हैं वो एक परछाई है. The Sabbath that Israelites celebrate is a shadow. Can you put Colossians 2:16? कुलूसियों 2:16 हम देखेंगे. Colossians 2:16. यहां पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है. Colossians 2:16 में, अगर कल को आपको कोई बोले, if someone tells you tomorrow, कोई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट आपके पास आए और वो बोले तुम सब्त को नहीं मानते हो, he says, you don't observe the Sabbath. बोलना हम सब्त को मानते हैं. Say, we observe the Sabbath. हम परमेश्वर के सब्त को मानते हैं, आप यहूदियों के सब्त को मानते हो. We observe the Sabbath of God, you observe the Sabbath of Jews. Amen. देखो क्या लिखा है.
See what it says. इसीलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए. So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. कोई तुम पे दोष ना लगाए. रविवार को क्यों मिलते हो? Let no one judge you why you meet on Sundays. आगे क्यों दोष ना लगाए? Why should they not judge you? जो आने वाले बातों की छाया मात्र है परंतु वास्तविकता तो मसीह है. Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So जो शब्द यहूदी मना रहे हैं, the Sabbath that the Jews observe, वो परछाई है. It's a shadow. मगर आज हमारे पास वास्तविकता है. But today we have the reality. जो मसीह है. The substance that is Christ. आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाई. You have to understand the creation that God made in 6 days. अब आप जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा. Do you know that God is not creating anything? परमेश्वर now. कुछ नहीं बना रहा. He's not creating anything. परमेश्वर ने उस सृष्टि के अंदर ही ये सामर्थ्य डाल दी कि वो खुद ही मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को और बढ़ता जाए. Because God put that power in that creation to multiply and recreate itself. परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ्य डाली बीज के द्वारा. God has put the power to recreate through the seed that he created. Amen. और परमेश्वर ने क्या किया? आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया. एंड what God did was before he created Adam and Eve, whatever they will need, he already put it in the garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा. एंड देन ही केप्ट देम इन द छठवें दिन उनको बनाया. ऑन द सिक्स्थ डे ही मेड देम और उनको लेकर एंड ही टुक देम सातवें दिन में प्रवेश. इन द सेवंथ डे ही एंटर्ड विद देम. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें. गॉड हैज अ डिजायर फ्रॉम द बिगिनिंग दैट यू विल अबाइड इन हिज रेस्ट. इब्रानी 4 उसका 1-3 Hebrews 4:1-3 इसमें लिखा है इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है तो हम सतर्क रहें कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. अब आप आज बोलेंगे मैं क्या करूं ये जान के कि परमेश्वर ने मिले विश्राम. They'll say, what will I do by knowing इस मैसेज का मेरे से क्या नाता है? What does this message have to do with me? इस मैसेज का सब कुछ आप ही से नाता है. This message has everything to do with you. हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. किने? इब्रानियों को. To the Hebrews. To यहूदियों को. To the Jews. उनको भी सुसमाचार सुनाया गया. They also heard the gospel. परंतु जो वचन उन्होंने सुना But the word which they उससे heard उन्हें कुछ लाभ ना हुआ. Did not profit them. क्योंकि जब उन्होंने उसे सुना तो विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया. Because when they heard it, they did not mix faith with it. हर रविवार जब परमेश्वर वचन भेजता है अपना वो क्यों भेजता है आपके पास? Every Sunday God sends his word to you. Why does he do that? इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है जब आप उसके वचन को सुने और उस पर विश्वास मिलाएं तो आप विश्राम में प्रवेश करें. So that when you hear his word you will mix faith in it and you will enter into his rest. हर एक परमेश्वर का वचन इसीलिए बनाया गया है कि आपको विश्राम में लेकर जाए. Every word of God is created to make you enter his rest. हम जिन्होंने विश्वास किया है For we who have believed, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं. Enter into that rest. So कैसे प्रवेश करते हो आप परमेश्वर के विश्राम में? How do you enter the rest of God? कैसे प्रवेश करते हो? How do you enter? विश्वास के द्वारा. Through faith. एक दिन को मनाकर नहीं. Not by celebrating a day. विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हो. But through faith you enter into the rest of God. मैंने आपको क्या बताया था? पहला दिन, दूसरा दिन, सुबह शाम, सातवां दिन जब आया तो बाइबल नहीं लिखती सुबह शाम. I told you when the first day came, the morning, evening, the second day came, morning, evening. But when the seventh day came, the Bible does not write morning, evening. Because God's, let me write it here. God's Sabbath, क्योंकि परमेश्वर का शब्द
is an ongoing Sabbath. वो निरंतर चलते रहने वाला शब्द है. So let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ. क्या आज परमेश्वर का सैबत है? Does God have His Sabbath today? हाँ. क्या मंडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Monday God's Sabbath day? क्या ट्यूसडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Tuesday God's Sabbath day? क्या वेंसडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Wednesday God's Sabbath day? समझ रहे हैं आप? You understand? कल जो आज मैं कह रहा हूं, जो कल होगा, जब आप मंडे को जाओगे तो वो आज बन जाएगा. When you enter into Monday, the tomorrow's Monday will become today. जब आप उस दिन में जाएंगे तो वो होगा today. When you enter into that day, it becomes today. आज आप कौन से दिन में हो? आप संडे में हो. What day are you in? आप कह रहे हो मंडे आएगा. You are saying Monday will come. मगर जब आप मंडे में प्रवेश करें, but when you're in Monday, तो वो क्या हो गया? What does it become? Today. It becomes today. क्या हो जाएगा? Today. So परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? कब है परमेश्वर का सैबत? आज है. Today. आपको एक चीज दिखाता हूं. Hebrews 4:7 देखो. इब्रानी 4:7. Again, he designates a certain day. Oh, hallelujah. इसीलिए वह फिर एक विशेष दिन को नियुक्त करता है. परमेश्वर ने एक विशेष दिन को नियुक्त किया है सबात के लिए. God has designated a certain day for Sabbath. God has designated a certain day. परमेश्वर ने नियुक्त किया है एक खास दिन. Is it Saturday? क्या वो शनिवार है? रविवार है? नहीं. It is today. वो आज का दिन है. So, कल को कोई आपको बोले ना, so, if someone तुम लोग शब्द को संडे मनाते हो, संडे को नहीं मनाना चाहिए, कहना बिल्कुल सही बात है, हम भी नहीं मनाते संडे. You say, if someone says you celebrate Sabbath on Sunday, you should say, हमारा शब्द का दिन है टुडे. Our Sabbath day is today. Today. आज का दिन. मंडे भी होगा टुडे, ट्यूसडे भी होगा टुडे, वेंसडे भी होगा टुडे, थर्सडे भी होगा टुडे. यानी पूरा जीवन हम परमेश्वर के विश्राम में रहेंगे. ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए. So, आप हर एक दिन, this is what God's will for you, is you remain in His rest every day of your life. Again, He designates a certain day, saying in David, अब वो कौन सा certain day बता रहा है? Today, after such a long time, as it has been said, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. इसीलिए वह फिर से एक विशेष दिन को नियुक्त करता है, जिसे बहुत समय के बाद वह दाऊद के द्वारा फिर आज का दिन कहता है, जिसे जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना. Amen. विश्राम का दिन यानी सबात का दिन. The day of Sabbath or the day of rest. कुछ है. Has everything उसमें in it. चंगाई है. There is healing in it. उसमें भरपूरी है. There is fulfillment. उसमें शांति है. Peace. उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो है. Whatsoever you need is in it. So मैं आज आपसे पूछता हूँ. So I ask you today. उद्धार का दिन कौन सा है? What is the day of salvation? हाँ. चंगाई का दिन कौन सा है? What is the day of healing? छुटकारे का दिन कौन सा है? The day of deliverance. समृद्धि का दिन कौन सा है? The day of prosperity. So हम कह रहे परमेश्वर कब करेगा? We are saying, Lord, when will you do it? ध्यान से सुनिए. परमेश्वर कह रहा है, मैं तो जेनेसिस में कर चुका. God is saying, I already fulfilled it in Genesis. तू प्रवेश कर, तेरा आज तू विश्राम में प्रवेश कर. You enter into my rest in your today. परमेश्वर नहीं करने वाला. God is not going to enter. He has already entered into rest. कह रहा है, you enter. वो, he is saying, आप प्रवेश करें. You enter. आप प्रवेश करें. I have done everything for you. मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं. प्रभु कैसे प्रवेश करूं? Lord, how do I enter? Believe. विश्वास करके. बिलीव. विश्वास करके. Amen. So आज हमारे लिए शब्द का दिन क्या है? So what is the day of Sabbath for us? जब, जैसे मैंने क्या बताया, जब एक बहन, एक माँ जब एक खाना बनाती है और वो कहती है बन गया, पूरा हो चुका है. So when a mother, a daughter, a sister makes. मसीह यीशु क्रूस पर गया और उसने कहा it is finished. She makes the food, says it's made, it's done. That's how Jesus went on the cross. और उसने कहा खत्म हो गया, पूरा हो गया. So hear this. How do we enter God's Sabbath? हम परमेश्वर के सब में कैसे प्रवेश करते हैं? By believing in the finished work of the cross. क्रूस के उस खत्म हो चुके काम पर भरोसा करके, विश्वास करके. Amen.
जब मसीह यीशु ने क्रूस में जो कर दिया, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के विश्राम के दिन में प्रवेश कर जाते हैं। और परमेश्वर के विश्राम का दिन अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। When we believe in the finished work of the cross, we enter into the rest of God, and the day of God's rest is eternal, it will never end. कोई मेरे को बोले संडे को क्यों कर रहे हो? संडे को इसलिए करेंगे, सबकी छुट्टी संडे को होती है। ट्यूसडे को होने लग जाएगी कल को, तो ट्यूसडे को करेंगे। I would say Sunday because everybody has an off on Sunday. If it's क्योंकि हमारे लिए शब्द क्या है? Today. Because our Sabbath is today. Amen. इसीलिए वरना अगर Saturday है या Sunday है तो उस दिन हम बहुत खुश होंगे, या फिर Monday. Otherwise, on a Saturday or a Sunday, we'll be very happy, and Monday will be sad. नहीं, परमेश्वर चाहता है आप उसके विश्राम में हर दिन, हर समय, हर घंटे, हर सेकंड परमेश्वर के विश्राम में रहो। No, God wants you to remain in His rest every day, every hour, every second of your life. Amen.